हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं, बस यही देखना बाकी था जो हम देखने वाले हैं, बस वही देखना बाकी था, ठीक है? फनी वीडियोस, ट्राई नॉट टू लाफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। भाई ये चैलेंज मेरे से कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? ट्राई नॉट टू लाफ, नो नो वे। जिस चीज़ पे मुझे हंसी नहीं आएगी मैं उस पर नहीं हंसूंगी, उस पर हंस नहीं सकती। लेकिन जिस चीज़ पे हंसी आ रही है भाई मैं रोक नहीं सकती बिल्कुल नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये पकड़ी आओगे मम्मी? कुछ ना, दूध लेके आड़गो, ये तो होती चलती रहे, तू अपना काम कर। ठीक है। कहा कर दिया रे? कुछ ना मम्मी, दूध लेकर गो। ऐसे कैसे लेकर गो दूध? वाह, गाय को नुकसान पे खड़े रहो हर वक्त। से निकल गया तो कुछ नहीं। सुन बे, बोल बे, कटिंग कर देगा? कर दूंगा। तो चिल्ला क्यों रहा है? तो तू क्यों चिल्ला रहा है? कितने रुपए कटिंग है? 50 रुपए। 40 दूंगा। 50 लगते हैं। 40 दूंगा। चल बैठ जा। चिल्ला ए बेटा दिलीप। आंटी कनक हमारे तार न लगा दे। ए आंटी यूरो ना हरीश, यहाँ पे लगवा लो। बेटा यहाँ करंट लग जाएगा। वो तो मेरे भी लग सके। ए बेटा, या को तो ब्याह हुए पड़े हो, तू तो रंडुआ। आंटी दीदी, भी नहीं शादी के बाद आपके मम्मी पापा मुझे काम तो करने देंगे ना? अरे मॉडर्न है मेरे घर वाले, क्यों रोकेंगे? तब दोनों साथ मिलके काम करेंगे, तभी तो घर चलेगा। After marriage. हाँ भाई, जी सा आ रहा है ना? कहा था ना काम के लिए नहीं नाटे, मॉडर्न फैमिली है। चल रोटी लगा दे, चल ठीक है। अरे भाई मम्मी पापा आ रहे हैं बड़े दिन बाद, मस्ती चाय बना लो, ठीक है? अरे वो तो मैं बना लूंगी, बस मुझे ये बता दो कि चाय में सीढ़ी कितनी लगनी है। अंशु क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठा है? मम्मी वो पड़ोस वाली सविता भाभी ना गाना गा रही थी। कौन सा गाना गा रही थी? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। हाँ तो क्या हो गया? मम्मी आज आपके राजा बेटा पे धारा 376 लग गई। तमीज। आपको अमीर लड़के पसंद है, गरीब लड़के पसंद है? मुझे गरीब लड़के पसंद है। गरीब लड़के? सारी लड़के तो बोलते हैं कि अमीर लड़के पसंद है, आप गरीब बोल रहे हो। अमीर अच्छे होते हैं लेकिन गरीब लड़कों का दिल बहुत साफ होता है। क्या हो गया भाई, आप कैसे खड़े हो भाई? भैया मैं भी गरीब हूँ। यार 2 दिन पहले मेरी दादी चल बसी। चल बसी किसके साथ? अरे मतलब वो गुजर गई। घर गई किसके? घर गई, अरे भगवान के घर गई। भगवान के घर क्यों गई? तुम्हारा घर के छोटे पड़ रहा था ये? अबे तेरी माँ की? अरे मेरी माँ की दादी तो उसके घर है। अरे तेरी, अरे मेरी दादी एक्सपायर हो गई। किससे इंस्पायर हो गई? अबे तुझे सुना ही नहीं देता है, क्या कर रहा है ये? मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे ऐसे कैसे तू मेरी जान लेगा? अबे हाय, हेलो, तुम खूबसूरत तो लगती हो पर क्या? अरे कुछ बोलोगे? लास्ट चांस दे रही हूँ, बता दो प्लीज, बता दो। हे राजा जी, निशा तेको पढ़ना आता है ना? तो क्या मैंने गवार समझा? ये एक लाइन पढ़ देगी ना तू, तो तेको 500 रुपए मिलेंगे। ये ले पढ़ के दिखा। बस एक लाइन के? एक लाइन के। मेरी सास और ननद ने मेरा जीना हराम कर रखा है। बस अब मैं जा रहा हूँ दीदी के पास और मम्मी के पास। ये आपका दिमाग खराब, मैं पागल हो गया? अब मेरे को 1000 रुपए दे जल्दी से। 1000 रुपए दे। अरे मत करो ना यार, तू प्यार के ग्राहक नहीं है, जल्दी दे जल्दी। चलो कोई बात नहीं, तेरा भी वक्त आएगा बेटा। कनिका प्लीज समझा करो यार, प्लीज मेरे से मत लड़ा करो, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे आप भी तो समझो यार मुझे, अगर मैं आपसे नहीं लड़ूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। छोड़, कल से पढ़ाई करूंगा। अरे एग्जाम में बैठा है तू, मादर। क्या कहा? इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सुना नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है बात बदलने का। क्या कर रही हो जानवर? कपड़ा धो रहे। कौन सा कपड़ा धो रही हो? मत करो बाबू। अरे बताओ ना। पागल हो गए क्या तुम? सब तो बोल नहीं सुन रहे तुमको। अरे रोमांस करना है तेरे साथ। कपड़ा
टाइम अब देखियो इस लड़की के मजे लेता हूँ। अच्छा ज्यादा लेट हो रहा है तो हम छोड़ दें। भाई आगे से लेफ्ट ले लियो। सुनो ले लिया मजे। तुम खुद को किसी से कम मत समझना। बिल्कुल तुम सबसे 2-3 किलो ज्यादा ही हो। बहुत मारेगी। भाई ये मर्द कौन होता है? जो घर की जिम्मेदारी संभालता है और जो घर में हुकुम चलाता है। अच्छा तो मैं भी भाभी की तरह मर्द ही बनूंगी। मी मैं आपके पर्स से 1000 रुपए निकाल रहा हूँ जेड एक्स में पेट्रोल भराने के लिए। मेरे पर्स को हाथ लगाने की हिम्मत तो तेरे बाप में भी नहीं है। वाह वो पर्स से ही निकाल रहा है। ये मम्मी पापा 40 साल से नौकरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी अभी तक एक्टिवा पर ही घूम रहे हैं। मैंने केवल 2 साल नौकरी करी और जेड एक्स ले ली। मेरे को लगता है पापा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनसे नहीं हो पाएगा। क्या हुआ मारोगे नहीं? मैंने ऑलरेडी तेरी चाय में जयमाल गोटा मिला दिया। बहुत सही। सर जी नमस्ते। लेट क्यों आया? जी वो पापा अस्पताल में है। चल कोई नहीं सही कर ले से सही। सर जी नमस्ते। आज फिर लेट? पापा अस्पताल में है जी। ऐसा क्या हो गया तेरे पापा को? डॉक्टर है जी मैं। हाँ भाई तेरा लड़का हवा ला उसकी दावत दे। और तेरे पर भी आकी भी दावत रुक रही भाई। कब तक दूसरों की दावत खाते फिर जाओगे? कभी अपना भी ढोल बजवा लो रंड वो। बहुत अच्छा जवाब दिया फ्री के खाने। यार बेबी मैं तुम्हारे चक्कर में बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं तुम्हारे चक्कर में कुछ एक सेकंड यार हिमांशी मैं तुम्हारे चक्कर में कुछ कर नहीं पा रहा। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। बिकॉज ऑफ यू आई कांट डू एनीथिंग। बिकॉज ऑफ यू आई एम गांडू। अरे वो तो तू है। आई कांट डू एनीथिंग। अबे यार तुम्हारा ना समझ में नहीं आता कि तुम किस बात पे मुंह बना लेती हो। अब क्या हो गया? ये तो आपको बताओ ना जी कि मैं क्यों नाराज हूँ। हम मेले में गए थे, मैंने आपको एक झूला दिखाया था तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए था? तो क्या तुम्हारे लिए झूला तोड़ के ले आता? झूला तोड़ के नहीं आना था। आपको पता होना चाहिए था कि मैंने झूला दिखाया तो मेरा झूला झूलने का मन है। अरे तो बोल देती ना कि झूला झूलना है। अब ये भी मैं ही बोलूं? अरे बोल मैं भी बोल रहा हूं तुम्हें झूला झूलना है। क्यों रे तुम समझोगे इतना सब कुछ बोल रही? क्या चाहती हो? ये नहीं चाहती हूं बोला जा रहा था झूला झूला झूलूं। आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। मतलब की बातें लगती काम कर रहे थे। मैंने आपको क्या कहा था? मेरी फ्रेंड्स मॉल जा रही हैं तो मुझे भी जाना था क्या उनके साथ? आपको नहीं जाना था। मैं चाहती थी कि आप मुझे बोलो कि जाओ तुम भी उनके साथ मॉल चले जाओ लेकिन आपने नहीं बोला। अरे तो तुम मुझे क्यों नहीं बोल सकती सीधे सीधे ये बात? अरे मैं आपको कैसे बोल दूँ सीधे सीधे? मैं चाहती हूँ कि आप चाहो कि मैं जाऊँ। कैसे समझोगे आप मेरी फीलिंग्स? आप तो समझते ही नहीं हो। भाई इतना चौंचला नहीं हो सकता यार अपने से। जो चाहिए वो सीधे सीधे मांग लो ठीक है। जो चाहिए सीधे सीधे बोल दो। हाँ भाई हमें धनिया ला दो, मिर्च ला दो, मुझे होटल जाना है, मुझे खाना खाने जाना है, मुझे शॉपिंग पे जाना है ठीक है। ये जो बोलना हो सीधे सीधे बोल दो। अबे यार ये दिमाग होता है ठीक है, सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। तुम ब्रेन मैपिंग थोड़ी ना करते रहते हो हर समय, तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है ठीक है। तो ये क्या बात हुई? ये मुझे ये इस टाइप की पत्नियों के लॉजिक नहीं समझ में आते। सीरियसली सिंपल रहो, स्वीट रहो हमारी ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो।